स्टार्ट। इस आदेश के द्वारा आवेदक दुर्गा सिंह की ओर से दिनांक 5 मार्च 2018 को प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 24 CPC का निराकरण किया जा रहा है। फुल स्टॉप। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि व्यवहार प्रकरण क्रमांक 62A श्रीनाथ मंदिर विरुद्ध दुर्गा सिंह वर्तमान में श्रीमती अर्चना रघुवंशी पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 उज्जैन के न्यायालय में लंबित है। उपरोक्त प्रकरण में आवेदक दुर्गा सिंह प्रतिवादी के रूप में शामिल है तथा उक्त प्रकरण अवशेष किराया वसूली निष्कासन एवं बासलात वसूली हेतु पेश किया गया है। फुल स्टॉप। आवेदक ने आवेदन में यह निवेदन किया है कि दावे के चलते दौरान पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 जो वस्तुतः वर्ग 2 होना चाहिए था द्वारा प्रतिवादी से क्रोध में कहा गया है कि वादी का स्थान तुम खाली क्यों नहीं करते हो, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, आवेदक के अनुसार उसका कोई कसूर नहीं था। न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण से कहे जाने से यह परिलक्षित होता है कि निश्चित रूप से आवेदक के विरुद्ध आदेश होगा तथा आवेदक को मकान खाली करना पड़ेगा। न्यायालय द्वारा क्रोध में कहे जाने का आशय न्याय पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, इसलिए प्रार्थी अपना प्रकरण अन्य न्यायालय में अंतरित कराना चाहता है। आवेदन के साथ दुर्गा सिंह ने अपने शपथ पत्र भी पेश किया है। न्यायालय द्वारा संबंधित न्यायाधीश श्रीमती अर्चना रघुवंशी से टीप भी आमंत्रित की गई है। तर्क के समय विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क दिया गया कि न्यायालय के न्यायाधीश से टीप मांगे जाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसके बावजूद भी टीप मांगी गई है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जो आवेदन पेश किया गया उसमें स्पष्ट रूप से न्यायाधीश द्वारा व्यक्तिगत प्रकृति का ही आक्षेप लगाया गया है, जहां किसी न्यायाधीश पर अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति पर कोई आक्षेप लगाया जाता है तो नैसर्गिक न्याय का यह सिद्धांत है कि उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। जब प्रकरण में न्यायाधीश पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाया गया हो तो उस अवस्था में न्यायाधीश को सुनवाई का अवसर दिया जाना अर्थात अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत आता है तथा ऐसे कृत्य संविधान के अनुच्छेद 311 में भी समर्थित है। फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। न्यायाधीश श्रीमती अर्चना रघुवंशी ने विस्तार से 6 पैरा में अपनी टिप्पणी भेजी है तथा लगाए गए आक्षेप से इनकार किया है। फुल स्टॉप। उन्होंने प्रकरण के विभिन्न चरणों में की गई कार्यवाही का संक्षिप्त उल्लेख किया है तथा यह बताने का प्रयास किया है कि प्रतिवादी पक्ष के कारण ही प्रकरण में विलंब भी हो रहा है। फुल स्टॉप। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।